तो इस वीडियो में हम शेप के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 4 तक क्यू की वैल्यू को डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे अगर क्यू की वैल्यू 5 आ जाए तो वो कैसे करेंगे। देखिए, बॉन्ड पेयर हमारे पास अगर 5 है तो लोन पेयर 0, तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या आएगी, sp3 और d। अब इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, और जहाँ पे अगर लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री और शेप दोनों ही एक जैसी होंगी। दिस इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब देखिए ये शेप कैसी है और किस तरह से हमने इसको डिस्कस करना और बनाना कैसे है और कौन कौन सी पोजीशंस है, वो बहुत यहाँ पे अहमियत रखेंगी। देखिए, अगर हम बात करें तो ये आ गई हमारे पास ट्राइगोनल, और अगर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप है। अब इस शेप में भी बहुत अच्छी तरह से आपने देखना, क्योंकि शेप मैंने तभी बोला ज्योमेट्री को क्योंकि लोन पेयर 0 है। ये जो हमारे पास पोजीशंस है, ये 2 पोजीशंस, ये दोनों पोजीशंस हमारे पास जो एक्सियल पोजीशंस है, ये भी एक्सियल पोजीशन है, और ये 3 पोजीशंस, 1, 2 और ये वाली 3, ये इक्विटोरियल और इक्विटोरियल। मैं इनको इंटेंशनली इक्विटोरियल पोजीशंस को, इसको मैं पोजीशन ए लिखने लगा हूँ, इसको बी और ये सी। ये लेटर स्टेज में आपको पता लगेगा जब हम एग्जांपल्स करेंगे क्यों मैंने ए बी सी लिखा है। ओके जी, अगर हम आगे डिस्कशन को बढ़ाएं तो क्यू अगर 5 है तो बॉन्ड पेयर अगर 4 आ गए और उसके बाद लोन पेयर कितना है 1, तो हमने हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या लेनी है, sp3d। अब ज्योमेट्री तो वो ही रहेगी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ये जो पोजीशंस हैं इनका बहुत ज़्यादा रोल है इसकी शेप में। जैसे कि आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं इस वीडियो में, देखिएगा, अगर तो लोन पेयर कितनी आ जाए 1, तो हमने पहले तो ये चीज़ याद रखनी, जो एक्सियल पोजीशंस है यहाँ पे, इन एक्सियल पोजीशंस के ऊपर सबसे पहले आप ये चीज़ याद रखिए, एक्सियल के ऊपर आपने कौन से एलिमेंट्स रखने हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, और जो इक्विटोरियल पोजीशंस है, इक्विटोरियल पोजीशंस पे आपने क्या रखनी है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, अगर 1 से 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आएंगे तो फिर आप इनके ऊपर रखना शुरू करेंगे, बट हमने शुरुआत कैसे करनी है, एक्सियल पोजीशंस के ऊपर से। अब अगर लोन पेयर इक्विटोरियल पे कैसे प्लेस करने हैं वो देखिएगा। देखिए, लोन पेयर अगर 1 है तो हमने उसको किसके ऊपर रखना है, ए पोजीशन के ऊपर। अगर तो लोन पेयर्स 2 हैं तो हमने क्या करना है, बी और सी को साइमल्टेनियसली फिलअप करना है, बी और सी को। तो अगर तो 3 लोन पेयर्स हैं, अगर 3 हैं तो आपने ए बी और सी तीनों को साइमल्टेनियसली ऑक्यूपाई करवा देना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। अब चेक करते हैं जी फर्दर। देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा फ्रेम में ले आए। देखिए, अगर क्यू 5 है, बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर्स 2 हैं, वो किस तरह से चलेगा, sp3d। अभी हमने एक वाला डिस्कस नहीं किया, यहीं पे करेंगे। अब देखिए कैसे चलेगा, अभी ये रह गया हमारे पास, इसको अभी डिस्कस करते हैं। पहले एक वाला कर लें। देखिए, जैसे कि या इसकी डिस्कशन हम करने लगे हैं, अगर तो 1 लोन पेयर है, मैंने आपको क्या बताया, 1 लोन पेयर को आपने कहाँ पे रखना है, ए पे। तो कैसे आएगी ये लोन पेयर 1 वाला केस हम करने लगे हैं, कैसे, ये आ गई हमारी एक्सियल पोजीशंस, और ये दोनों पोजीशंस कौन सी हैं, बी और सी। मैंने आपको क्या बताया कि आपने कहाँ पे प्लेस करना है, ये ए पे। तो आप देखिए, अगर हम लोन पेयर को यहाँ पे हाइड करेंगे तो ये कौन सी शेप आ गई, ये जो शेप आ गई है ये हमारे पास आ गई सी सॉ, ये सी सॉ शेप आ गई। तो अगर इसी तरह से लोन पेयर्स 2 आ गई इस केस में, तो कैसे करेंगे बच्चों, आपने ये
एज इट इज़ ही एक्सहेल पोजीशन रखनी है, और ये ए वाली पोजीशन को आपने टच नहीं करना, और ये बी और सी साइमल्टेनियसली, बी और ये सी, इनको आपने लोन पेयर्स के साथ ऑक्यूपाई करवा देना। अब इसको अगर हम हाइड करेंगे तो ये क्या बन गया, ये बन गई अल्फ़ाबेट टी। तो ये कौन सी शेप आ गई, टी शेप आ गई। इस तरह से आपने ये ज़ीरो लोन पेयर, वन लोन पेयर और टू लोन पेयर्स के साथ देखा। अगर हम यहाँ पे ही फाइव, अब देखिए क्या आएगा, इधर हमारे पास टू और ये थ्री, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, एस पी थ्री डी। ज्योमेट्री तो आपको पता ही है क्या आएगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब तीन लोन पेयर्स के साथ अगर डिस्कशन आगे बढ़ाएं तो इधर ही करने लगे हैं। देखिए अगर लोन पेयर हमारे पास थ्री आ गई, लोन पेयर्स हमारे पास थ्री आ गई तो कैसे चलेगा, मैंने आपको बताया आपने ये एक्सियल एज इट इज़ रखनी है। अब तीनों पे, पहले आप ए पे, फिर आप बी पे और फिर आप सी पे रखें, तो ये कौन सी शेप आ गई, ये शेप आ गई लीनियर शेप। अब आगे जितने भी होंगी लोन पेयर, अगर यहाँ पे बॉन्ड पेयर वन आएगा, लोन पेयर फोर आएंगे तो भी लीनियर ही रहेगी। ये वाली दो जो आपने शेप साइन के ऊपर तो बहुत अच्छी तरह से फोकस करके चलना।